Today, we will discuss about the line and staff responsibility. What are the line? Good morning, sir. Good morning. Line and staff responsibility. अटेंडेंस अभी तीन चार बच्चे आए हैं, अभी तीन बच्चे आए हैं, तीनों का लगा दिया मैंने। रजनीश कुशवाहा जी आए हैं, गुरुराज ओबराय जी आए हैं, आप योगेश जी आए हैं, तीन आए हुए हैं, तीनों का अटेंडेंस लगा दिया मैंने। और अभी आए नहीं है तो अभी तो लाइन इन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में लाइन स्ट्रक्चर क्या होता है, सीपीएम पार्टीसी में है नहीं, ये तो एचआर है, ये एचआर है, सीपीएम पार्ट किसमें है? अरे ये तो योगेश जी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का लेक्चर है, पार्ट सीपीएम तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में है, समझ गया, ठीक है सर, आप कंफ्यूज कर रहे हैं तो हाँ सर ठीक है। तो इसमें स्ट्रक्चर जो है ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, लाइन स्ट्रक्चर क्या होता है, स्टाफ लाइन इन स्टाफ रिलेशनशिप का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो जो है आज हम लोग इसको देखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स द ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस पोजिशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय शोइंग होम टू रिपोर्ट। ये आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब हो गया ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस पोजिशंस, जो आपके डिफरेंट पोजिशंस हैं ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे इंस्टीट्यूट हो, चाहे होटल हो, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टी है उसमें भी सारा जो है आपको ऑथोरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको रिलेशनशिप जो निकाला जाता है वेरियस पोजिशंस का, और किसको किसको रिपोर्ट करना है, तो ये जो है माना जाता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ना। ऑर्गेनाइजेशन तभी मजबूत होता है जब नेटवर्क ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप आपका मजबूत होता है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है नेटवर्क आपको मजबूत होना, जो भी पोजीशंस हैं, वेरियस पोजीशंस हैं, मैनेजर का, डिप्टी जनरल मैनेजर का, जनरल मैनेजर का, असिस्टेंट मैनेजर का, सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी और नेटवर्किंग क्लियर रिलेशनशिप को ही आपको ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, है ना। एंड ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रिलेशनशिप है उसी को, तो ऑर्गेनाइजेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, और ये व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हियर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट्स इन द फॉलोइंग वे फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर कट ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, जो ऑथोरिटी जो है क्लियर कट जो है आपको जॉब एंड को क्या करना है, नहीं करना है, कौन क्या कर सकता है, ये आपको ऑर्गेनाइजेशन में क्लियर कट होना चाहिए कि कौन आदमी क्या कर सकता है, उसकी ऑथोरिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इट इज बाय हु इज टू डायरेक्ट होम, ये आपको, ये सारे आपके इंडियन एसएमई में नहीं होते हैं, ऑथोरिटी साइन नहीं करते हैं, इसी से फेलोवर होता है। आपको क्लियर कट पोजीशन कौन क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है, ये आपको ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए, तभी जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन ठीक से काम करेगा। सारे ऑर्गेनाइजेशन में वो जो ऊपर वाले होते हैं उसी को ब्लेम करते रहते हैं, कोई क्लियर कट ऑथोरिटी मैनेजर के पास, असिस्टेंट मैनेजर के पास, डिप्टी मैनेजर के पास, डिप्टी जनरल मैनेजर के पास नहीं होता है। तो ये क्लियर कट ऑथोरिटी रिलेशनशिप होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। दूसरा, पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए, ये कम्युनिकेशन फ्रॉम हुम टू रिपोर्ट, हु विल सॉल्व द प्रॉब्लम, हु विल शेयर द इंफॉर्मेशन, वेयर द सेम इंफॉर्मेशन विल बी शेयर्ड, ये आपको बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। तो पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है, वर्टिकल कम्युनिकेशन है, उसमें कोऑर्डिनेशन है, ये क्लियर कट आपको ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए कि कौन कहां पर बैठा है, वो किसको कम्युनिकेट करेगा, हु विल सॉल्व द प्रॉब्लम,
दूसरा लोकेशन ऑफ डिसीजन सेंटर्स, डिसीजन सेंटर क्लियर कट होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का, हु विल टेक द डिसीजन। अभी इंडियन एसएमई में चले जाइए, वर्षों से डिसीजन लेने वाला कोई नहीं है। ए डिपार्टमेंटल स्टोर का कौन डिसीजन लेगा, सेल्स प्रमोशन का कौन डिसीजन लेगा, लीड प्राइसिंग का कौन डिसीजन लेगा, कोई जो है डिसीजन लेने वाला नहीं है। इसी से ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका इंडियन ऑर्गेनाइजेशन आपको फेल हो रहा है। कोई भी ऑयल रिफाइनरी है तो उसका प्रोडक्शन का, शेड्यूलिंग का, मेंटेनेंस का डिसीजन कौन लेगा नहीं लेगा, लोकेशन ऑफ डिसीजन सेंटर होना चाहिए, कौन डिसीजन लेगा, हु विल टेक द डिसीजन। तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर बैलेंसिंग होना चाहिए एक्टिविटी का, एक्टिविटी का प्रॉपर बैलेंसिंग जरूरी है, विच प्रोवाइड्स द इम्फेसिस ऑन द एक्टिविटी। एक्टिविटी का सारे का मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी का, आपको जनरल मैनेजर का प्रॉपर बैलेंसिंग होना चाहिए एक्टिविटी का, कि कौन एक्टिविटी क्या करता है, ये आपको ये बैलेंसिंग जरूरी है। स्टिमुलेटिंग क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी हमेशा जरूरी है एक साउंड ऑर्गेनाइजेशन में। आपको क्रिएटिव थिंकिंग एंड इनिशिएटिव एवं ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स, ये आपको बहुत जरूरी है। इंक्रेजिंग ग्रोथ, ग्रोथ आपको जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन का, ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशन को फैलना। कल स्ट्रेटजिक डिसीजन में भी यही चीज आपको बताया गया था कि भाई नए प्रोडक्ट लाना ये ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अमूल इंडिया तभी ग्रोथ करा जब कई प्रोडक्ट उसने मार्केट में लाए, तभी आपको आपको ग्रोथ जो है आपको एक्वायर करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन को। MIS आपका मजबूत होना चाहिए और वो धीरे धीरे एरिया जो है ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होता रहना चाहिए। एरिया आपको आपको ग्रोथ होता रहना चाहिए, ज्योग्राफिकली ग्रोथ होना चाहिए कि भाई ऑर्गेनाइजेशन कहाँ जा रहा है। तो ये आपको क्लियर ग्रोथ आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से आपको ये आपको होना चाहिए। दूसरा, मेकिंग यूज ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, कोई नई मशीन मार्केट में आती है तो वो आपका ऑर्गेनाइजेशन में होना जरूरी है। ये साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तभी जब करेगा जब वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करेगा। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बहुत ही जरूरी है। तो दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होना बहुत जरूरी है, उसका ग्रोथ होना, उसका प्रोडक्ट का वैरायटी को आगे बढ़ना, उसका एरिया वाइज सेल्स मार्केटिंग ग्रोथ होना, ये बहुत जरूरी है। क्रिएटिविटी बहुत जरूरी है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएटिव रहना, थिंकिंग क्रिएटिविटी, इनिशिएटिव एवं ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स, ये आपको जरूरी है। प्रॉपर बैलेंसिंग आपको जरूरी है। तो ये सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये आपको जरूरी है। तो ये ग्रोथ होना जरूरी है, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन में आपको जरूरी है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में बेसिकली जो ऑपरेटिंग मैकेनिज्म है, असाइंड अमंग द पोजीशन, ग्रुप्स, डिपार्टमेंट, डिविजन्स, ये सारे आपको कोऑर्डिनेशन में रहना जरूरी है। अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, सारे पोजीशंस, ग्रुप्स, डिपार्टमेंट, डिवीजन, सारा मिलकर के ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करे। ऑपरेटिंग मैकेनिज्म है, आपको कंट्रोल प्रोसीजर है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, सबको क्लियर कट होना चाहिए। तो ये आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए। ए फॉर्मर रिलेशनशिप में बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी, रिलेशंस बिटवीन द सीनियर एंड सबोर्डिनेट्स, सीनियर और सबोर्डिनेट्स के बीच में रिलेशनशिप आपको कंटिन्यूस फ्लो होता रहना चाहिए, एंड वाइस वर्सा, सीनियर से सबोर्डिनेट में, सबोर्डिनेट से सीनियर में, ये रिलेशनशिप आपको बेटर होना चाहिए, है ना। तो ये आपको आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में बता रहा है। रिलेशन बिटवीन द स्पेशलिस्ट पोजिशंस एंड द लाइन पोजिशंस, ये आपको स्पेशलिस्ट पोजीशंस एंड द लाइन पोजीशंस, ये आपको क्लियर होना चाहिए। स्टाफ रिलेशंस, स्टाफ रिलेशंस बहुत महत्वपूर्ण है
स्टाफ रिलेशन जितना ज्यादा बढ़िया रहेगा उतना ज्यादा आपको ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करेगा। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तभी ग्रोथ करेगा जबकि स्टाफ रिलेशंस आपको बेटर हो। जहां जिस ऑर्गेनाइजेशन में खाली झगड़े होते हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशन का डूबना निश्चित है जी। तो ये रिलेशनशिप आपको बहुत जरूरी है। लेटरल रिलेशनशिप भी बहुत जरूरी है। लेटरल का मतलब होता है वर्टिकल, वर्टिकल रिलेशनशिप वो आपको जरूरी है ये किसी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। तो ये सारे आपको दिया हुआ है और ये आपको इंटीग्रेशन ऑफ एक्टिविटी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पर्सनल डिपार्टमेंट, कितने तरह के आपके ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो आपको उसमें लाइन ऑर्गेनाइजेशन होता है, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन होता है एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होता है ना। ये तीन तरह के आपके ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और तीनों तरह के ऑर्गेनाइजेशन में आपको लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन में ये ओल्डेस्ट टाइप एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। इसमें देखिए आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर लाइन ऑर्गेनाइजेशन का आपको दिखाया गया है। फोरमैन है यूनिट वन का, फोरमैन है यूनिट टू का, फोरमैन है यूनिट थ्री का। इसका एक सुपरिटेंडेंट होता है। सुपरिटेंडेंट का रिलेशनशिप प्रोडक्शन मैनेजर से होता है। प्रोडक्शन मैनेजर का रिलेशनशिप जनरल मैनेजर से होता है। जनरल मैनेजर का रिलेशनशिप चीफ एग्जीक्यूटिव से होता है। चीफ एग्जीक्यूटिव जो कंपनी का सीईओ है वो आपको ये इंस्ट्रक्शन देता है। और ये सारा आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को समझ लीजिए। प्रोडक्शन मैनेजर और मार्केटिंग मैनेजर वो जनरल मैनेजर का ऑफ द प्लांट के साथ में काम करता है। मार्केटिंग को साफ आपको प्रोडक्शन मैनेजर के साथ लिंक होना चाहिए कि भाई मार्केट में कौन सा आइटम चाहिए और कौन कौन सा नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया जाए, कस्टमर क्या चाहता है, तभी वो प्रोडक्शन मैनेजर को वो ऑर्डर देगा, प्रोडक्शन मैनेजर उसका ला उसका यह काम करेगा। तो क्वालिटी कंट्रोलर का जो काम है वो प्रोडक्शन मैनेजर के साथ में उसका टाइप है। क्वालिटी कंट्रोलर, क्वालिटी कंट्रोलर प्रोडक्शन मैनेजर को वो फीडबैक देगा व्हाट टाइप ऑफ द क्वालिटी इज टू बी प्रोड्यूस्ड इन द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में किस तरह का क्वालिटी प्रोड्यूस हो रहा है, कहां पे डिफेक्ट आ रहे हैं, और ये क्वालिटी कंट्रोल के साथ में आपको उसका सीधा लिंक रहेगा। क्वालिटी जब तक कि आपका प्रोडक्ट का नहीं होगा आपका मार्केट शेयर आपका नहीं बढ़ेगा। तो क्वालिटी आइटम आपको प्रोड्यूस करना जरूरी है। क्वालिटी कंट्रोलर प्रोडक्शन मैनेजर के साथ में सीधा लिंक रहेगा। क्वालिटी कंट्रोलर भी विजिट द एवरी यूनिट, यूनिट वन, यूनिट टू, यूनिट थ्री, जितने भी यूनिट हैं प्लांट के, क्वालिटी कंट्रोलर वहां जाएगा और क्वालिटी फीडबैक देगा प्रोडक्शन मैनेजर को। दूसरा, पर्सनल जो आपका ऑफिसर है, एचआर ऑफिसर है, वो आपको प्रोक्योरमेंट इंचार्ज से आपको कॉन्टेक्ट रखेगा, ट्रेनिंग इंचार्ज से रखेगा, वेज एडमिनिस्ट्रेटर से रखेगा, वेलफेयर ऑफिसर से रखेगा। ये सारे काम पर्सनल का काम है, एचआर मैनेजर का काम है, एचआर का रोल है। वो ट्रेनिंग किसको देनी है, कहाँ भेजना है, नहीं भेजना है, कौन ट्रेनिंग पे गया हुआ है, ये सारा काम पर्सनल रिकॉर्ड रखेगा। वेज एडमिनिस्ट्रेटर का काम, सैलरी का काम, किसकी कितनी सैलरी है, किसकी कितनी प्रमोशन होगी, किसका क्या होगा। प्रमोशन तो होता ही नहीं है आज का इंडियन एसएमई में, प्रमोशन नाम की चीज ही नहीं है। तो वेज एडमिनिस्ट्रेशन आपको पर्सनल ऑफिसर करेगा। वेलफेयर ऑफिसर देखेगा कि कहां पर क्या आदमी को क्या दिक्कत हो रही है ना। तो वो उसको आपको देखेगा कि भाई वहां पर कहां पर क्या दिक्कत हो रही है। तो ये वेलफेयर का काम करेगा, पर्सनल ऑफिसर करेगा। पर्सनल ऑफिसर को सारा आदमी से लिंक रहेगा और वो सारा काम देखेगा, इंडस्ट्री का, ट्रेनिंग का, वेज एडमिनिस्ट्रेशन का, वेलफेयर ऑफिसर का, ये सारा काम देखेगा। और ये पर्सनल ऑफिसर प्रोडक्शन मैनेजर को रिपोर्ट करेगा कि हाउ द पीपल्स आर फंक्शनिंग इन द डिपार्टमेंट, कौन क्या काम कर सकता है, नहीं कर सकता है, वो आपको आपको रिपोर्ट करेगा वो। तो दिस इज द लाइन ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड सिंपलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको इसमें आप देखिएगा कि स्टाफ का रिलेशनशिप नहीं है, इसमें सिर्फ जो है एक लाइन के रूप में अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम डेलीगेट किया गया है।
टॉप टू बॉटम जो अथॉरिटी है वो आपको लाइन के रूप में आपको डेलीगेट किया गया है, इसको लाइन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव वो जितने जनरल मैनेजर है उससे मीटिंग करेगा, जनरल मैनेजर जो है प्रोडक्शन मैनेजर मार्केटिंग मैनेजर से मीटिंग करेगा, और प्रोडक्शन मैनेजर आपको सुपरिटेंडेंट से मीटिंग करेगा, क्वालिटी कंट्रोलर से मीटिंग करेगा, पर्सनल ऑफिसर से मीटिंग करेगा। तो ये आपको उससे मीटिंग करेगा, तो सुपरिटेंडेंट से मीटिंग करेगा, सुपरिटेंडेंट फॉरमैन से मीटिंग करेगा। तो ये आपको लाइन ऑर्गेनाइजेशन आपको दिया हुआ है, जनरली कंपनी में लाइन ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता है। तो ये आपको लाइन ऑर्गेनाइजेशन आपको क्लियर कट बता रहा है कि कहां पर जो है आपको इंटरप्राइज में यूनिटी ऑफ कमांड कैसे कैसे ऑथोरिटी जो है वो आपको डेलीगेट होगा। दूसरा है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। ये देखिए लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें रिलेशनशिप है हर एक स्टाफ का। देखिए ये स्टाफ रिलेशनशिप दिखा रहा है, ये लाइन ऑर्गेनाइजेशन दिखा रहा है। लाइन का मतलब है ऑथोरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम आपको डेलीगेट किया गया है। इसमें आपको लाइन स्ट्रक्चर का बेनिफिट तो है ही, एज वेल एज ए फंक्शनल का और एक्सपर्ट एडवाइस का भी जो है आपको बेनिफिट हो जाता है। तो इसको बोलते हैं लाइन इन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। एक जनरल मैनेजर प्लांट का दूसरे जनरल मैनेजर प्लांट से वो डिस्कस करेगा, जनरल मैनेजर मार्केटिंग से डिस्कस करेगा, जनरल मैनेजर पर्सनल से डिस्कस करेगा, और ये जो है जनरल मैनेजर डिप्टी मैनेजर प्रोडक्ट वन डिप्टी मैनेजर प्रोडक्ट टू कितने तरह के वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीज करने हैं क्या करने हैं ये प्लान करेगा चीफ एग्जीक्यूटिव। जब तक इंडस्ट्री का ग्रोथ नहीं होता है तब तक जो है आपको इंडस्ट्री सक्सेसफुल नहीं माना जाता है। एक कंटिन्यूस इंडस्ट्री चला आ रहा है 20 साल से चला आ रहा है, उसकी ना तो बाउंड्री बढ़ी है, ना तो उसका प्रोडक्ट बढ़ा है, ना तो उसका स्टाफ बढ़ा है, तो वो आपको सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहा जाएगा। वो जो आपको सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन आपको नहीं कहा जाएगा। तो उसका जो है प्रोडक्ट आइटम बढ़ना चाहिए, मार्केटिंग एरिया बढ़ना चाहिए। तो आपको इसमें लाइन ऑन स्टाफ में आपको स्टाफ रिलेशनशिप क्लियर आपको दिखाया गया है कि इसमें दोनों एडवांटेजेस लिए गए हैं, स्टाफ के भी एडवांटेज लिया गया है और लाइन स्ट्रक्चर भी लिया गया है। तो इसको लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। और लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन तीसरा ग्रुप है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में जो जो काम करता है उसका ऑर्गेनाइजेशन का आपको ये आपको दिया हुआ है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टर प्रोडक्शन होता है, वो सभी डायरेक्टर प्रोडक्शन का सभी हेड से उसको आपको कम्युनिकेशन होता है। देखिए दिस इज द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, सभी का सभी से इंट्रैक्शन है। ये आपको फंक्शनल जो काम करता है वो सभी को रिपोर्ट कर देता है। तो ये आपको फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है। और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी बेस्ड होता है, जो डिफरेंट फंक्शंस हैं, प्रोडक्शन का फंक्शन है, मार्केटिंग का फंक्शन है, फाइनेंस का फंक्शन है, पर्सनल का फंक्शन है, ये सारे का स्पेशलिस्ट होता है डायरेक्टर पर्सनल, डायरेक्टर फाइनेंस, डायरेक्टर मार्केटिंग, डायरेक्टर प्रोडक्शन। और ये सारे डायरेक्टर सभी फंक्शंस को रिपोर्ट देखता है कि कहां पर क्या हो रहा है। देखिए सभी डायरेक्टर फाइनेंस भी जो है आपको हेड को चेक कर रहा है, इस डिविजन हेड को चेक कर रहा है, इस हाँ बताइए। हेलो सर, आप बोलिए सर। मेरा नेट खत्म हो गया है सर। कितना रोल नंबर है? 146 ठीक है, मैं अटेंडेंस बना देता हूँ। सन्नी जी का अटेंडेंस मैं बना दिया 146 ठीक है सन्नी जी। ठीक है सर, मैंने बना दिया, पहले बना दिया। तो ये आपको फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में आपको साफ लिखा हुआ है कौन कौन से फंक्शंस ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं और उसके जो है रिलेवेंट डायरेक्टर होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, स्पेशलाइजेशन होता है,
और वो जो स्पेशलाइजेशन है सभी काम को देखता है, हेड को देखता है, हेड डिवीजन टू को देखता है, हेड डिवीजन थ्री को देखता है, वो डायरेक्टर फाइनेंस को देखता है, डायरेक्टर पर्सनल को देखता है, डायरेक्टर मार्केटिंग को देखता है, डायरेक्टर प्रोडक्शन को देखता है, ये आपको देखता है। तो ये आपको चीफ एग्जीक्यूटिव काम करता है। तो इसमें आपको रूट क्लर्क होता है, टाइम एंड कोस्ट क्लर्क होता है, गैंग बॉस होता है, रिपेयर बॉस होता है, इंस्पेक्टर होता है, ये सभी फंक्शंस जो है आपको वो देखता है। दूसरा, आपने लाइन ऑर्गेनाइजेशन देखा और लाइन इन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन देखा। लाइन ऑर्गेनाइजेशन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस है, क्या कंपेरिजन है, ये आपको यहां पर दिखाया गया है। लाइन रिफर्स टू दोज पोजीशंस व्हिच हैव द रिस्पांसिबिलिटी टू अचीविंग द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लाइन जो आपको दिखाई गई है, हाँ बोलिए। 143 शुभम सिंह 143, दीपक 110, फ्रांसु 112, गौरव गुप्ता 113, गुरदीप रावत 114, मुकुल 121, निखिल 122, पवन 127, रजनीश कुशवाहा 134, विशाल 148, योगेश 150, योगेश 167, गुरुराज ओवराय, हिमांशु 117, तो टुडे 14 पार्टिसिपेंट्स हैव अराइव्ड इन द क्लास। हिमांशु जी 117, गुरुराज ओबराय जी, फैजान जी 111, योगेश जी 167, विशाल जी 148, रजनीश कुशवाहा जी 134, पवन जी 127, निखिल जी 122, मुकुल जी 121, गुरदीप रावत जी 114, गौरव गुप्ता जी 113, फ्रांसु जी 112, दीपक जी 110, आकाश गुज्जर जी 102, ये सारे क्लास में आए हुए हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे लाइन ऑर्गेनाइजेशन का एंड लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का कंपेयरिंग हम लोग कर रहे थे। लाइन में आपको जो अथॉरिटी डेलीगेट होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप से बॉटम की ओर आपको अथॉरिटी डेलीगेट होता है, अचीविंग द जिसमें कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशन का होता है वो अचीव किया जाता है। स्टाफ में, स्टाफ रिफर्स टू दोज पोजीशंस व्हिच हैव रिस्पांसिबिलिटी फॉर प्रोवाइडिंग द एडवाइस एंड सर्विसेज। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट स्टाफ्स हैं, हाँ बताइए सर। एक बार लाइन स्टाफ, ये क्या कहते हैं जो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन है सर, एक बार इसको ब्रीफ में डिफाइन कर दो सर। फिर से आपको दिखा देते हैं स्ट्रक्चर, आपको फिर से दिखा देते हैं। ये रहा आपको लाइन ऑर्गेनाइजेशन, देखिए है ना, ऑथोरिटी टॉप टू बॉटम डेलीगेट किया गया है। ऑथोरिटी चीफ एग्जीक्यूटिव जो ऑफ द कंपनी, सीईओ ऑफ द कंपनी, उसके दो जनरल मैनेजर हैं, प्लांट वन का, प्लांट टू का। प्लांट वन का आपको दिखाया गया है कि उसमें जो ऑथोरिटी डेलीगेट किया गया है, जो उसको किसको रिपोर्ट करना है, कम्युनिकेशन किसको करना है, वो आपको बताया गया है कि प्रोडक्शन मैनेजर और मार्केटिंग मैनेजर दोनों जनरल मैनेजर को बताएगा कि क्या बनाना है, नहीं बनाना है, ये जनरल मैनेजर डिसाइड करेगा प्लांट के बारे में, है ना। मार्केटिंग मैनेजर रिस्पांस देगा कि कस्टमर चाहता क्या, किस तरह की गाड़ी चाहता है,
किस तरह का मॉडल चाहता है, कि फोर्ड की कौन सी मॉडल जो है आपको बीजिंग भेजना है, फोर्ड की कौन सी मॉडल जो है आपको न्यू दिल्ली भेजना है, वो आपको मार्केटिंग मैनेजर बताएगा कौन सी मॉडल कहाँ भेजना है। जो वो जनरल मैनेजर तब प्रोडक्शन मैनेजर उसी फोर्ड की मॉडल का प्रोडक्शन शुरू करेगा जिसकी की मार्केट में डिमांड हो। ये कोई जरूरी नहीं है कि न्यू दिल्ली में और बीजिंग में दोनों जगह जो है फोर्ड की एक ही मॉडल लाइक की जाती हो, ऐसा नहीं है। सबका अपना अपना च्वाइस अलग होता है, तो जो जहां पर आपको डिमांड है जनरल मैनेजर ये डिसाइड करेगा कि विच टाइप ऑफ द फोर्ड कार इज टू बी प्रोड्यूस्ड, कार किस तरह का प्रोड्यूस करना चाहिए, है ना, तो ये आपको डिसाइड करेगा। दूसरा, आपको वो जो प्रोडक्शन मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर का सुपरिटेंडेंट से वो उसको ताल्लुकात रहेगा और वो फोरमैन को आपको इंस्ट्रक्शन देगा क्लियर कि कहाँ पर क्या बनाना है, कौन से यूनिट में क्या चल रहा है, कौन सी यूनिट में क्या चल रहा है। दूसरा, क्वालिटी कंट्रोलर चेक करेगा सारे यूनिट को और वो रिपोर्ट देगा कि क्वालिटी आइटम बन रहा है नहीं बन रहा है ना। दूसरा, पर्सनल ऑफिसर वो चेक करेगा कि भाई वेज एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हो रहा है, वेलफेयर स्कीम चल रहा है नहीं चल रहा है, प्लांट में ट्रेनिंग सबको स्पेशलाइज ट्रेनिंग है कि नहीं है, कौन सा वर्कर स्पेशल आपको स्किल्ड है अनस्किल्ड है, प्रोक्योरमेंट इंचार्ज क्या कर रहा है, ये पर्सनल मैनेजर जो है प्रोडक्शन मैनेजर को वो रिपोर्ट करेगा। तो दिस इज द ऑथोरिटी डेलीगेटेड फ्रॉम द लाइन से आपको डेलीगेट किया गया है। देख लीजिए ना, फोरमैन को यहाँ रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है जनरल मैनेजर के पास में, फोरमैन को आपको पर्सनल ऑफिसर के पास आने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ यहीं पे रिपोर्ट करेगा, है ना। तो इसको बोलते हैं लाइन ऑथोरिटी। चीफ एग्जीक्यूटिव मिलेगा ही नहीं, ये फोरमैन से चीफ एग्जीक्यूटिव की मीटिंग ही नहीं है, आपको फोरमैन यूनिट टू का से चीफ एग्जीक्यूटिव मिलेगा ही नहीं। ये आपको लाइन ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि आपको ये चीफ एग्जीक्यूटिव जो है ओवरऑल प्लांट का काम देखता है, तो वो उससे मिलेगा ही नहीं। तो दूसरा, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, स्टाफ से एडवाइस लिया जाएगा, देयर विल बी एडवाइस टू बी टेकन फ्रॉम द स्टाफ। ये सारे देखिए कि ये डॉटेड लाइन जो दिखाया गया है वो स्टाफ के लिए दिखाया गया है। जनरल मैनेजर वहां पर्सनल क्या कर रहा है, जनरल मैनेजर मार्केटिंग की क्या ऑब्जर्वेशन है, जनरल मैनेजर प्लांट टू का क्या फीडबैक है, जनरल मैनेजर प्लांट वन का क्या फीडबैक है, ये आपस में कम्युनिकेशन चलेगा, है ना। तो इसको बोलते हैं स्टाफ रिलेशनशिप। स्टाफ आपको एडवाइस देगा काम करने के लिए, क्या काम करना है नहीं करना है, इसमें वो आपको सभी से मिलेगा, तो इसको बोलते हैं स्टाफ रिलेशनशिप। आप स्टाफ को लाइन वाला में ये आपको रिलेशनशिप वहां नहीं था, सिर्फ ऑथोरिटी डेलीगेट किया गया था, ऊपर से नीचे तक ऑथोरिटी डेलीगेट किया गया है, आपको ये करना है, आपको जो बोला जा रहा है वो करना है। इसमें क्या है कि आपको एडवाइस लिया जा रहा है स्टाफ से आपको एडवाइस लिया जा रहा है, तो इसको बोलते हैं लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। अब आप आपको क्लियर हो गया होगा, लाइन वाला जो दिया हुआ है ये आपको डार्क लाइन से आपको शो गया है, स्टाफ रिलेशनशिप जो है आपको डॉटेड लाइन से शो किया गया है। तो लाइन स्टाफ रिलेशनशिप में जो लाइन वाला जो था, मैंने बताया नहीं कि ये ओल्डेस्ट टाइप का था, ये ओल्डेस्ट टाइप का है, ओल्डेस्ट है ये, इसमें डेलीगेट्स को जो है ऑथोरिटी जो है करता है, वो फीडबैक नहीं लेता है, वो स्टाफ से फीडबैक नहीं लेता है, वो है कि भाई ही इज द सुप्रीम बॉस, जो उसको बोला आप जनरल मैनेजर को बता दो, जनरल मैनेजर इसको बताएगा, ये इसको बताएगा, ये इसको बताएगा, इसको करना ही करना है, आज इतना यूनिट का प्रोडक्शन करना है, आज ये सामान बनाना है, तो वो फोरमैन अपना अरेंज करेगा वर्कर को, वो आपको करेगा ही करेगा। तो ये पहले ऑथोरिटी डेलीगेट हो जाती थी, वो पहले उसको कहते थे लाइन। स्टाफ में क्या है कि इसमें फीडबैक लिया जा रहा है, भाई किस तरह से करना है, क्या करना है नहीं करना है, वो इसमें फीडबैक लिया जाता है। तो ये आपको दोनों का बेनिफिट, एक तो लाइन स्ट्रक्चर का बेनिफिट मिल गया इसको, दूसरा एक्सपर्ट एडवाइस भी मिल गया, फंक्शनल का आपको एडवाइस भी मिल गया। तो ये उसमें आपको लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में आपको यही आपको लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में यही आपको फर्क है। फंक्शनल में अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, प्रोडक्शन का काम है वो स्पेशलिस्ट है, वो प्रोडक्शन का स्पेशलिस्ट है, ही इज द प्रोडक्शन मैन, वो प्रोडक्शन का स्पेशलिस्ट है, तो उसमें प्रोडक्शन जो है सभी जगह से वो लिंक रखेगा फंक्शन जो है। वो मार्केटिंग का स्पेशलिस्ट है, वो डायरेक्टर मार्केटिंग है, मार्केटिंग कैसे करना है नहीं करना है वो जो है उसको ऑर्डर देगा, इसको बोलते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन।
चीफ एग्जीक्यूटिव जो है सारे डायरेक्टर से मीटिंग करेगा और सारा डायरेक्टर अपना चेक करेगा कि कहां पर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। डायरेक्टर फाइनेंस है, वो फाइनेंस का स्पेशलाइज्ड है, डायरेक्टर पर्सनल है। बहुत इजी हो गया सर, ये तो समझ आ गया सर, रहने दो। ये आपको ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है, फंक्शनल में आपको फंक्शनल बेस्ड जो है सभी से लिंक रखेगा। है सर, आपने अटेंडेंस लगा ली है? हाँ लगा दिया, अटेंडेंस लगा दी है, आपकी भी लग गई है। ठीक है सर। तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे लाइन ऑर्गेनाइजेशन और लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या जो है कंपेरिजन है। देर आर नो एक्सपर्ट्स, इसमें एक्सपर्ट्स नहीं है टू असिस्ट द एडवाइज, यहाँ पर एडवाइस एक्सपर्ट एडवाइज आपको नहीं मिल रहा है। देर आर एक्सपर्ट नाउ एज ए स्टाफ असिस्ट, ये आपको नहीं मिल रहा है। देर इज लूज डिसिप्लिन, यहाँ पर आपको डिसिप्लिन लूज है, यहाँ पे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है। सीओ का ऑर्डर है इतने पार्ट्स आज बनाने हैं, वो आपको फोरमैन को बना करके देना पड़ेगा, ये स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है। ये लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है और इसमें नहीं है, इसमें फीडबैक लिया जाता है, ये लूज डिसिप्लिन है, इसमें जो है फीडबैक लिया जाता है। तो वो आपको तो इसमें हर एक स्टाफ से फीडबैक लिया जाता है, तो इसमें आपको लूज डिसिप्लिन है ना, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है बिटवीन लाइन एंड स्टाफ में। देर इज एलवेज ए रिस्क ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन लाइन एंड स्टाफ पीपल ओवर देयर रेस्पेक्टिव रोल्स, इसमें ज्यादा आपको फ्रिक्शन होने की संभावना है। अगर डिसिप्लिन आप लूज रखेंगे तो इसमें फ्रिक्शन होने की संभावना ज्यादा है, तो लाइन एंड स्टाफ में। तो ये यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, इसमें नो फ्रिक्शन, कोई फ्रिक्शन नहीं है, इसमें मिलना ही नहीं है। जैसे मैंने दिखाया कि एक वर्कर सीओ कंपनी के सीओ से मिल ही नहीं सकता, वो वहां पर उसको जो बताया गया है वही करना है। तो नो फ्रिक्शन, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ पर जो है एलवेज रिस्क ऑफ फ्रिक्शन, ये जो है बेस्ड अपन प्लांट स्पेशलाइजेशन, प्लांट स्पेशलाइजेशन में बेस्ड किया गया है ना, इट इज नॉट बेस्ड अपन प्लांट स्पेशलाइजेशन, ये प्लांट स्पेशलाइजेशन में बेस्ड नहीं है, और ये आपको प्लांट स्पेशलाइजेशन बेस्ड है। डायरेक्टर मार्केटिंग, डायरेक्टर फिनांस, डायरेक्टर प्रोडक्शन, ये स्पेशलाइजेशन के साथ में है ना, तो ये स्पेशलाइजेशन के साथ इसमें स्पेशलाइज्ड है, पर्सन स्पेशलाइज्ड है, इसमें आपको स्पेशलाइज नहीं है, है ना। तो सेंट्रल सटल लाइन एग्जीक्यूटिव बिकम द की मीन, ये की मैन यहां पर वो जरूरी है। दिस इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ लाइन इन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन एज ए स्टाफ ऑफिशियल, है ना। तो ये आपको दूसरा, आपको लाइन ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन दोनों में आपको क्या क्या आपको डिफरेंस आ रहा है, ये कंपेरिजन आपको दिखाया गया है। लाइन ऑथोरिटी इज वर्टिकल एज इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन आपको लाइन ऑर्गेनाइजेशन में आता है, स्केलर चेन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, आपको स्केलर चेन जो है वो आपको लगता है, और लाइन ऑफ ऑथोरिटी आता है वर्टिकल आता है, ये आपको स्केलर चेन है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। दूसरा फंक्शनल में लाइन ऑफ ऑथोरिटी फंक्शनल और डायगोनल है, इसका इसका जो फंक्शनल मैनेजर ऑथोरिटी है ओवर हिज फंक्शंस वेयर इट इज परफॉर्म, ये ऑथोरिटी उसका फंक्शनल है डायगोनल है। तो ये आपको फंक्शनल और डायगोनल वो आपको चेक करना पड़ता है। लाइन मैनेजर आर जनरलिस्ट, लाइन मैनेजर जो है आपको जनरलिस्ट है, वो आपको जनरल है। फंक्शनल मैनेजर आर स्पेशलिस्ट, फंक्शनल मैनेजर एक काम में आपको मार्केटिंग का कर रहा है तो मार्केटिंग का स्पेशलिस्ट है वो, मार्केटिंग के बारे में सारी जानकारी है उसे, तो फंक्शनल मैनेजर आपको वो स्पेशलिस्ट है। एंड देयर इज यूनिटी ऑफ कमांड इज देयर, यूनिटी ऑफ कमांड यहाँ पर है, यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड इज नॉट फॉलोड, यूनिटी ऑफ कमांड इसमें आपको फॉलो नहीं किया गया है। पवन जी 127 इज एंटरिंग नाउ, ये उसमें आपको फंक्शनल मैनेजर्स, आपको स्पेशलिस्ट, ये आपको स्पेशलिस्ट है। यूनिटी ऑफ कमांड इसमें इज नॉट फॉलोड, यहाँ यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो किया गया है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रखा गया है, यहाँ पर लूज डिसिप्लिन है। इट इज सुटेबल फॉर लार्ज स्केल ऑपरेशंस, इट इज सुटेबल फॉर द स्मॉल स्केल ऑपरेशंस, ये जो है लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल स्केल ऑपरेशन में सक्सेसफुल है।
और ये जो है आपको लार्ज स्केल ऑपरेशन में आपको ज्यादा सक्सेसफुल है। तो मैं आपको एक बार फिर आपको सारा अटेंडेंस मैं आपको बता देता हूं। गुरुराज ओबराय जी, आकाश गुज्जर जी 102, दीपक शर्मा जी 110, फ्रांसु जी 112, गौरव गुप्ता जी 113, निखिल जी 122, पवन जी 127, रजनीश कुशवाहा जी 134, योगेश जी 167, फैजान हाशमी जी 111, हिमांशु जी 117, मुकुल जी 121, विशाल जी 167, अब 167 हो गया। ठीक है सर, ये 13 पार्टिसिपेंट्स हैं अभी, है ना, उसका मैंने आपको नाम फिर से बोल दिया, ये आपको 13 पार्टिसिपेंट्स हैं। तो ये आपको लाइन ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में डिफरेंस था। तो ये दोनों आप डिफरेंस कंपेरिजन, आप लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, इसको समझ लीजिए। जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है किस तरह का रखना है उसमें आपको उसी से पता चल जाता है। हाँ बताइए सर, मैं कह रहा हूँ सर 167 बोल रहा हूँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कि सर मैं ना नेक्स्ट क्लास में आने पाऊंगा, एक्चुअली सर मेरे घर में ना अर्जेंट काम है, तो सर प्लीज मेरी अटेंडेंस माफ कर देना। अच्छा ठीक है, कर देंगे सर 167 सर अभी कर दो सर, फिर भूल मत जाना सर। हाँ ठीक है, मैं कर दे रहा हूँ अभी कर दे रहा हूँ आप। ठीक है सर, ओके थैंक यू सर। तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में ये एक्सपर्ट्स होते हैं, उसकी एडवाइस लिया जाता है, इसमें एडवाइस नहीं लिया जाता है।